नमस्कार दोस्तों, आज 3 सितंबर है और आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, सिविल सेवा में ज्वाइन करने जा रहे हैं, सिविल सेवा आपका लक्ष्य है, उसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी है। एक बुढ़िया होती है और उस पर कोई केस होता है। केस होने के बाद न्यायिक व्यवस्था हैं हमारे देश की जो होती हैं उससे आप जानते ही हो, तो लगभग उसे 10 साल हो जाते हैं। 10 साल के बाद बुढ़िया वो केस जीत जाती है और जज कहता है कि अम्मा आज तुम्हारा फैसला हो गया और आज तुम जीत गई, बहुत अच्छी बात है कि आज तुम जीत गई, तुम्हारे पक्ष में फैसला आया। तो बुढ़िया कहती है बेटा आशीर्वाद देती हूँ कि अगले जन्म में तुम दरोगा बनना। तो जज सोचता है कि शायद बुढ़िया नहीं जानती होगी कि दरोगा मेरे से छोटा होता है, तो कहता है कि अम्मा जो दरोगा होता है वो मेरे से छोटा होता है पद में, तो तुम क्यों कह रही हो कि हम अगले साल जो है दरोगा बने। बोले बेटा तुम दरोगा से बड़े कैसे हो सकते हो, तुम फैसला देने में 10 साल लगा दिए जबकि दरोगा ने कहा था कि 5002 अभी निपटा देता हूँ, तो वो तो तुरंत निपटा देता और तुमने 10 साल लगा दिए, तो तुम बड़े कैसे हुए। ये एक व्यंग्य है हमारे समाज में फैले भ्रष्टाचार का और हमारे समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में। आप ध्यान रखना कि आप यदि प्रशासनिक अधिकारी बनते हो तो इस प्रकार की बातों या इस प्रकार का कोई व्यक्ति ना हो जो आपको यह आशीर्वाद दे कि आप SP हो अगले बार आप दरोगा बनना, या आप DM हो तो अगले बार आप दरोगा बनना। यह आज वर्तमान सच्चाई है। तो आज चलते हैं हम अब अपने September 3 की ओर, द हिंदू कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, है ना। इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग नेक्स्ट वीक। क्वाड जानते ही हैं आप, 4 देशों का ग्रुप है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। तो सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग होगी। अब इसमें सीधी सी बात है कि SCO की बात होगी, यूक्रेन की बात होगी और जो अभी चीन ताइवान मामला चल रहा है उसकी बात होगी, दक्षिण हिंद महासागर की बात होगी। तो इस तरीके की बातें होंगी, आगे क्या निकल के आता है इसके बारे में देखते हैं। और यह न्यू दिल्ली में हो रही है, तो जब भी कोई होस्ट होता है तो वह उसके लिए फायदे वाली बात होती है, तो देखते हैं क्या फायदा मिलता है। इसके बाद है विक्रांत इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइंट इंडिया। विक्रांत कल ही हमने चर्चा करी थी और इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि एक विक्रांत जो पहले था उसे डीकमीशन कर दिया गया है और अब ये नया विक्रांत है। अभी हमारे पास 2 हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, और हमें और आगे भी चाहिए, इसलिए मतलब तेज़ी से हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि चीन के पास जो हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है चीन, उसके पास 3 विमानवाहक पोत हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में देखना है। इसके बाद है द NPT इज़ बिगनिंग टू लुक सैकी। NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो कि हम दिखाते हैं आपको, है ना, ये नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रीटी है और इसी पे बात चल रही है। द 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कंक्लूडेड लास्ट वीक इन न्यूयॉर्क मेकिंग 52 ईयर्स ये ट्रीटी। इसमें यह है कि न्यूक्लियर हथियारों पर कमी की जाएगी या उसे कम किया जाएगा और उस पर जो है सब उसे बढ़ाने नहीं दिया जाएगा। जो P5 ग्रुप हैं जिसमें US, UK, USSR या रसिया कह लीजिए, फ्रांस और चीन को रखा गया है, जो
मतलब वास्तविक रूप में या मान्य परमाणु देश हैं, परमाणविक देश हैं, आणविक देश हैं, इसके बारे में बात की गई। उसके बाद इन लोगों का ये हो गया कि किसी और को इसके लिए बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ऐसे चोरी छुपे सभी ने बढ़ाया। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये P5 देश हैं, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से पूरी नहीं की, इसके कारण लोग बढ़े भी हैं। जैसे पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को माना जाता है कि चीन ने दिया है सिस्टम। इस तरीके की बातें हैं, आप इसे पढ़िए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद है इंडिया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स मोर देन पैचेज। जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, इसे एक बढ़िया ढांचा चाहिए, है ना। और काफ़ी जो क्राइम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसी पे बात की गई है कि किस तरीके से हम जो भारत का साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधार सकते हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, किस तरीके के हम सुधार इस पे ला सकते हैं, इसी पे बात की गई है। तो इसे आप पढ़िए। उसके बाद है रिक्रूटमेंट स्कीम, सॉरी, नेवी एंसाइन पे ट्रिब्यूट टू शिवाजी। आपने देखा होगा कि जो भारतीय नौसेना का झंडा है उसे बदल दिया गया है, और अब जो झंडा है उसमें शिवाजी के जो नौसैनिक थे उसके जो मोहर थी उसका एक मतलब वो जो ये अष्टकोण है उसको वहीं से कॉपी किया गया है, ठीक है। तो नेवी एंसाइन पेस ट्रिब्यूट टू शिवाजी, तो शिवाजी महाराज का जो माना जाता था कि ये समुद्री जो उनका बेड़ा था वो बहुत मजबूत था, और उसी के तहत हमारा जो नया झंडा बनाया गया है या जो नया ध्वज बनाया गया है भारतीय नौसेना का, उस पर ये मामला किया गया है। तो खैर ये बहुत वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप शिवाजी के नौसैनिक वाला मामला या वहाँ पे जो राज मुद्रा है या जो उन्होंने उनका स्ट्रक्चर था, शिवाजी किस तरीके से कार्य करते थे या उनका जो प्रशासन का ढांचा था, उसे आप ज़रूर देख लें, ठीक है। इसके बाद जो है रिक्रूटमेंट स्कैम, कांग्रेस इन उत्तराखंड वांट CBI प्रोब। अभी आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार का मामला हम जब बात कर रहे थे, तो जो उत्तराखंड में भर्तियां हुई हैं उनमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, और एडहॉक हायरिंग हुई है, मतलब कोई भी किसी को भी अपने रिश्तेदारों को रख ले रहा है और उसे सरकारी नौकरी दे रहा है। इस तरीके की बहुत ज़्यादा घपले घोटाले हुए हैं, और इसी पे जो कांग्रेस है वो चाह रही है कि CBI जांच हो, ठीक है। इसके बाद है पेड्डी कल्टीवेशन शीट डिक्लाइन, तो जो धान के जो वो है वो कम हुआ है ना, कल्टीवेशन सीड जो है डिक्लाइन हुआ है, 5.62 डिग्रीज इन द एरिया ऑफ कवर्ड दिस ईयर कंपेयर टू 2021 डाटा शो। और इसका कारण क्या है कि बारिश बहुत जगह नहीं हुई है, और भी बहुत सारे कारण हैं, उसको देखिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो धान है वो बारिश बहुत चाहिए उसे, पानी बहुत चाहिए उसे, तो जब भी सूखा पड़ता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली फसलों में से धान है, ठीक है। और इसके बाद जो है G7 एग्रीज टू इम्प्लीमेंट प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल, है ना। G7 जो है वो रशियन ऑयल पे प्राइस कैप लगाने की बात करता है, ठीक है। और इनकी मीटिंग हुई और ये जो है एग्रीज कर गए हैं उसके प्राइस कैप को, कैसे लगाया जाएगा, किस तरीके से लगाया जाएगा, आप इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन सी ककम्बर फार्म किक्स ऑफ कंसर्न इन श्रीलंका। जो चाइनीज हैं वो सी ककम्बर पे इन्वेस्ट करेंगे, और जो फार्म किक्स ऑफ कंसर्न नॉर्दर्न फिशरमैन सी द गवर्नमेंट थ्रस्ट कमर्शियल एक्वाकल्चर एज ए थ्रेट। तो चाइनी मीडिया जो है रिपोर्ट, तो वहाँ पे यदि इन्वेस्ट करते हैं ये सिक्का कम्बर के लिए, तो उसमें बहुत जैसे जो नाविक हैं उनके लिए, जो मछली मारने वाले हैं उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी ना, तो इसी पे बात की गई है। और तो इस पे बात की गई है कि क्या क्या दिक्कतें उपलब्ध होंगी, कैसे रोजगार छिन जाएंगे, है ना। तो इसे आप देखिए और इसे समझिए थोड़ा। इसके बाद जो है इफेक्ट ऑफ रेट इंक्रीज अनक्लियर, है ना।
इफेक्ट ऑफ रेट इंक्रीज इज अनक्लियर ना, जो पेस है ऑफ आरबीआई इंटरेस्ट रेट जो एडजस्टमेंट विल डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है उसमें एक उसके मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि जो इन मतलब क्या बोलते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो बढ़ोतरी की गई है उसका इफेक्ट या प्रभाव क्या है वो अभी तक समझ में नहीं आया है, इसी पे बात की गई। तो आप ये देखिए कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ना, और इसके बारे में समझिए तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इसका गठन कैसे किया जाता है, कौन इसका गठन करता है, कौन चेयरमैन होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति के बारे में। ठीक है, तो आज इतना ही है, फिर कल मिलते हैं, है ना। रोज़ सुना कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, धन्यवाद।